श्री आदरणीय प्राचार्य सर श्री सी एच श्रीनिवासलु सर, आदरणीय सभी शिक्षकगण और उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नम्र सुप्रभात। मैं हूँ अभिषेक शर्मा। प्यारे दोस्तों, आपने अपने सबसे प्रिय शिक्षक का विदाई समारोह का आयोजन कितना दुखद होता है। हालांकि हमें दुखी नहीं होना चाहिए और उन्हें खुशी से विदाई देनी चाहिए। आज रिटायरमेंट है उनका, जो बहुत अजीज है। स्कूल की वो बिरला सीमेंट है, एक एक ईंट को जिसने जोड़कर हमें मजबूत बनाया है, हर एक पल को और खूबसूरत बनाया है, जिनके आने से पूरे स्कूल में जान आ जाती है। आज विदाई है उनकी, जिन्होंने हमें काबिल बनाया है। जी हाँ, ये है हम सब की प्यारी, हम सब की चहेती अन्नपूर्णा मैम। मैम, आपने कभी कभी डांट टपट कर प्यार जताया और कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। आपने कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी कभी तो धार बनकर हम सभी बच्चों को मुश्किल से बचाया। उन्हें कभी हक के लिए लड़ना भी सिखाया। कभी कभी आपने गलती बताकर और कभी गलती बचाकर। माम, आपने हमेशा एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। आपने कभी माता पिता बनकर हमको दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हमारा हौसला बढ़ाया। माम, मैं आज कहना चाहता हूँ उस टीचर को बड़ा सा थैंक यू, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, और वो है आप, हमारी प्यारी अन्नपूर्णा मैम। माम, आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। थ्री चीयर्स फॉर अन्नपूर्णा मैम। हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे। बच्चों की तरफ से एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए, आप लोग कक्षाओं में देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह हम लोग अर्पित कर रहे हैं मैम को। अब मैं सभी को प्रातःकालीन सुप्रभात। सुप्रभात मैम। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे विद्वान साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी और इसका कारण मेरे कुछ बच्चे अवश्य जानते हुए मेरे अस्वस्थ होने के कारण, अन्यथा मुझे पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बच्चों तुम मेरे जीवन हो और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाई ये जो मेरा टीचिंग फील्ड मेरा बच्चों 16 वर्ष की आयु से आरंभ हुआ था। जब मैं पढ़ती थी मैं पढ़ाती थी मेरी आर्थिक परिस्थिति के कारण, और उस समय से लगातार अभ्यस्त होकर इतने सालों तक मैंने पढ़ाई करवाई। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत तेज धूप है बच्चों, और मेरा एक ही आप लोगों से श्रद्धा पूर्वक मैं आपको नमन करके एक ही आदेश देना चाहती हूँ, आप सभी अनुशासन सीखें। इस
केंद्रीय विद्यालय टिकट में बच्चों में कमी नहीं है, सिर्फ एक अनुशासन की कमी है। अगर क्लास का हर बच्चा ये सोचे कि मुझे किसी लीडर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही एक लीडर हूँ, तो मेरे ख्याल से किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बनो तुम लोग, सिर्फ वही देखने को मिलता है कि आप कॉरिडोर में घूमते हैं, ये सब बंद करिए बच्चों। मैं सचमुच 7 साल से इसी एक बात से दुखी थी कि बच्चों में मैं कोशिश करी अनुशासन डालने का, शायद मैं उसमें पूर्ण सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह तभी सफल होगा जब आपका सहयोग होगा। और वही 10वीं कक्षा के बच्चों की बात, 10वीं कक्षा के जो प्यारे बच्चे आप बोर्ड लिखने जा रहे हो, इसमें से सभी विद्यार्थियों ने, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ बोल के काफी लोगों ने, 10वें के बच्चों ने हिंदी ऑफ किया, और मैं उन बच्चों को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैंने कहा है इन लोगों को, जो क्लास लेके मैं पढ़ाऊंगी, और आपको कभी किसी भी वक्त अगर मुझे कॉल करो, मैं बिल्कुल आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। आप कॉल करने की देरी है, मैडम आपके सामने उपस्थित होगी जूम के माध्यम से और आपकी दुविधा दूर करेगी। और मेरे प्यारे 6th क्लास 7th क्लास 8th 9th 10th 11th 12th और भी चिल्ड्रन, अगर मैंने जाने अनजाने में और किसी भी प्रकार से आपको कुछ दुख पहुंचाया है या चोट पहुंचाई है या अपशब्द कह दिए हैं, तो आप सबसे मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, आज इतना ही, और सभी विद्वान साथी जो मेरे मित्र हैं।